हर हर महादेव। आप सभी से दोबारा मुलाकात हो रही है, इस बात की बहुत खुशी है। और दूसरी खुशी इस बात की है कि हमें इनविटेशन आया है माँ नैना देवी जी की तरफ से उनके घर जाने का, उनसे मिलने का। तो मैं आप सभी को भी वहाँ लेकर जाने वाली हूँ, तो आइए। सफर थोड़ा लंबा है, इसलिए हमने अपनी यात्रा सुबह 5 बजे ही शुरू कर दी ताकि हम समय पर पहुँच कर माँ से मिल पाए, क्योंकि मंदिर का नियम है कि दोपहर के इस टाइम में माँ रेस्ट करते हैं, उनका लंच टाइम होता है, तो हमें उससे पहले पहुंचना था ताकि हम माँ से मिल पाएँ। अभी ये जो हम रुके हैं, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है PBMA ऑफिस। यहाँ पर हमें अपनी आइडेंटिटी प्रूफ देकर एक पास लेना होता है, जो कि आगे यात्रा में भरने के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर चेक पोस्ट है जहाँ पर वो चेक होता है। ये सब एक फॉर्मेलिटी है गवर्नमेंट की तरफ से सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, क्योंकि आगे हमारे रास्ते में आने वाला है भाखड़ा नंगल डैम, जो कि इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट डैम है। तो ये सब थोड़ी फॉर्मेलिटीज़ है गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें पूरी करनी पड़ती हैं। अगर आप नहीं पूरी करते तो आपको आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो गाइज़, अभी जो ये आने वाला है आप देख रहे हैं, ये है भाखड़ा नंगल डैम। यहाँ पर रुकना, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी कुछ भी अलाउड नहीं है, जैसा कि मैंने बताया था सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। तो इसलिए रन थ्रू मैंने थोड़ा सा आपके लिए कैप्चर किया है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये है हमारा भाखड़ा नंगल डैम। और अभी डैम को क्रॉस करने के बाद हम यहाँ रुके हैं साइट सीइंग के लिए। ये जो आप देख रहे हैं, ये है हमारी सतलुज रिवर, और वो इस तरफ वो है हमारा भाखड़ा डैम लेफ्ट साइड में। और व्यू काफ़ी अच्छा है, इसलिए हम थोड़ी देर यहाँ रुके और रुक कर थोड़ा टाइम स्पेंड किया। और अब जो सामने आप ये जो बोर्ड देख रहे हैं, आगे का रास्ता, यहाँ से हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। चलिए, इंतज़ार हुआ ख़त्म, अब हम पहुँच चुके हैं माँ के बिल्कुल नज़दीक मुख्य प्रवेश द्वार में। अब हम एंट्री ले रहे हैं। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर आगे का सफ़र रह जाता है। कुछ ही किलोमीटर आगे चलने के बाद माँ का मंदिर है, भवन है, और यहाँ हम पहुँच चुके हैं। बहुत खुशी हो रही है। सफ़र में अच्छा तो लग रहा था, लेकिन जब पहुँच जाते हैं ना मंजिल पर, तब एक अलग ही खुशी महसूस होती है। कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है। और माँ के बिल्कुल नज़दीक है, आप कुछ ही कदमों की दूरी रह गई है। यहाँ से हम पैदल चढ़ने वाले हैं, क्योंकि थोड़ी सी चढ़ाई है, ज़्यादा कठिन चढ़ाई तो नहीं है, लेकिन यहाँ से सभी को पैदल जाना पड़ता है। यहाँ से भवन तक कोई भी व्हीकल नहीं जाता है, व्हीकल आपको वहाँ नीचे पार्क करना होगा, क्योंकि यहाँ से आगे का रास्ता पैदल है माँ के भवन तक का। तो आइए चलिए माँ के भवन पे, माँ से मिलने चलते हैं, हम साथ में चलते हैं। तो बोलिए प्रेम से जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, और आगे बढ़ते हैं। रास्ता ज़्यादा कठिन नहीं है, आराम से आप आ सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ से मेन दरवाजे पर एंट्री लेने के बाद आपको दो रास्ते मिलेंगे, एक ये जो आप सामने देख रहे हैं, और उसके बाद ये दूसरा रास्ता है जहाँ से सीढ़ियाँ हैं, ये वाला। मैं यहाँ से जाने वाली हूँ क्योंकि अभी लंच टाइम होने वाला है और मुझे जल्दी जल्दी माँ से मिलना है। तो आइए जल्दी जल्दी चलते हैं, क्योंकि जो वो प्लेन रास्ता है वो थोड़ा सा इससे लेंथी है, बड़ा है, और ये नज़दीक है। तो मैं यहाँ से आ रही हूँ और बस बिल्कुल माँ के भवन के सामने पहुँच चुकी हूँ, और अब जल्दी से बस आगे बढ़ रही हूँ, क्योंकि लंच टाइम अब होने ही वाला है और मैं मिस नहीं करना चाहती माँ से मिलना। आइए चलिए मिलते हैं। वैसे फ़ोटोग्राफी यहाँ पर भी अलाउड नहीं है,
जहाँ पर माँ की मेन प्रतिमा है बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो वहाँ के दर्शन तो माफ़ी चाहूँगी मैं आपको नहीं करवा पाऊँगी, लेकिन जितना करवा सकती हूँ वो मैं आपको ज़रूर करवाऊँगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर आकर दर्शन करने वालों की आँखों के अगर रोग हों तो वो दूर हो जाते हैं। अभी मैं और मेरा परिवार यहाँ पर लाइन से आगे बढ़ रहे हैं माँ के दर्शनों के लिए। बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, आराम से बिना रुके हम बढ़ रहे हैं और अच्छा लग रहा है, भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। और दर्शनों के लिए जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कैमरा अलाउड नहीं है तो मैं अंदर नहीं आपको दिखा पाऊँगी। हमने दर्शन कर लिए हैं, बहुत अच्छे से हुए हैं। मंदिर के धार्मिक महत्व के अलावा यहाँ का शांत और निर्मल वातावरण ना मुझे बहुत पसंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर घंटों बिता सकते हैं। यहाँ की जो साइड में व्यू है और ये जो सुंदर पहाड़ियाँ हैं और आसपास जो मंत्रों की मधुर जाप और हवन की सुगंध है, यहाँ पर इतनी पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहा है कि आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी यहीं ख़त्म हो जाएगी। दर्शन बहुत आराम से हो गए थे, भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी और अच्छे से हुए दर्शन और समय से हो गए। और दर्शनों के बाद हमने बस यहाँ पर कुछ समय माँ की गोद में बैठकर बिताया, माँ के साथ। बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर कोई भी होगा तो इतने अच्छे माहौल में किसी का भी मन नहीं करेगा जल्दी से जाने का, तो समय बिताना तो बहुत ही लाजमी था, तो इसलिए मैं और मेरा परिवार बैठ गए। यहाँ पर समय बिताने के बाद हम माँ से विदा लेकर अब लौट रहे हैं घर की तरफ, तो चलिए चलते हैं। यहाँ के दृश्य इतने मंत्रमुग्ध कर देने वाले ना, इतने लुभावने हैं कि दिल तो कर रहा था यहीं रह जाओ, यहीं रुक जाओ, पर अब लौटने का समय होने वाला था क्योंकि सफ़र हमारा है लंबा, तो समय से आना और समय से लौटना भी ज़रूरी था, तो इसलिए अब हम वापस लौट रहे हैं। आते हुए तो बहुत तेज़ी से कदम बढ़ रहे थे लेकिन जाते हुए कदम बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन चलिए अब जाना तो है ही, लेकिन चलिए चलते हैं। अभी हमने लिया खाना खाने के लिए ब्रेक, खाना अच्छा लगा और बस अब हम लौट रहे हैं घर। यहीं पर हमारी यात्रा संपूर्ण हुई। हमारे साथ आपके दर्शनों का अनुभव कैसा रहा, आपको कैसा लगा, प्लीज़ शेयर कीजिएगा। और अभी हम आपसे ले रहे हैं विदा, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए हर हर महादेव।